हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई जो बिल्कुल ऑयल फ्री है, क्योंकि आजकल शरीरों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको तो डॉक्टर ने बताया है कि ऑयल फ्री खाना, तो हम क्या खाएं। तो उनकी टेंशन दूर करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी जो बहुत हेल्दी भी होती है। तो उसके लिए मैंने लिए ये 1 कप सूजी और 3 लिए मैंने बॉयल आलू, 2 लिए हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 प्याज और ये गाजर। अगर आपके पास शिमला है तो शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। तो मैंने आलू को छील लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्याज को और गाजर को ग्रेट कर लेते हैं और धनिया को अच्छे से धो के काट लेते हैं। तो सब्जी को हमने काट लिया, अब लेते हैं ये सूजी, इसे रखते हैं साइड और लेते हैं मिक्सी का जार। आप सूजी कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी, मैंने ये मोटी वाली ली है। लेकिन सूजी को एक बार मिक्सी में डाल के आपको इसका पाउडर जरूर बना लेना है। तो हम इसे एक बार पीस लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इसका बना लिया पाउडर। अब लेते हैं एक बाउल और इसमें हम इसको डाल देते हैं। और अब लेंगे इसमें हम बेसन। तो एक ही छोटा कप मैंने बेसन लिया और एक मीडियम साइज का कप मैंने इसमें दही लिया। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ आधा धनिया और डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। इसमें लेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक हमें जो हमने आलू और प्याज लिए उसमें भी डालना। और इसमें लेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास ओरिगैनो है तो आप वो भी इसमें ले सकते हैं। अब कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स। अब इसे हमें थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा डो बना लेना। तो ये देखिए, मैंने ये 1 कप पानी लिया था और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ही लगा है। अब थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल के इसे थोड़ी सी देर रख देंगे, क्योंकि सूजी है, सूजी ज़्यादा पानी लेती है और ये फूलने में भी पानी सोख लेती है। तो बस इतना सा पानी डाल के हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम आलू की पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आलू को एकदम फोड़ लिया। देखिए, इसमें कोई भी मैंने गांठ नहीं छोड़ी है, क्योंकि फिर अगर हम नाश्ता बनाएंगे तो वो फट जाएगा, इसलिए हमें ये आलू अच्छे से मैश कर लेने। अब जो हमने ये गाजर और प्याज को लिया है उसमें ये आलू हम मिक्स कर देंगे। हमें इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी थोड़ी लेनी है, क्योंकि ज़्यादा सब्जियों से जो हम नाश्ते की बॉल बनाएंगे वो फट जाएगी। तो बस इस तरीके से अब इसमें लेते हैं थोड़े से मसाले। पहले लेंगे इसमें हम आधा धनिया जिसको मैंने धो के बारीक काट लिया। और अब लेंगे इसमें मसाले। तो मसाले में लिया है मैंने ये चाट मसाला। चाट मसाले से कोई भी आप नाश्ता बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये लिया है मैंने नमक। तो नमक हमने थोड़ा सा जो अपना डो बनाया है उसमें भी लिया है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही नमक लिया है। और इसमें हरी मिर्च भी डाली है और सूजी में भी हमने चिली फ्लेक्स डाला है, तो ये भी हम इसमें कम ले रहे हैं, क्योंकि नाश्ता सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बच्चों के लिए भी तैयार करते हैं हम लोग। तो इसमें मिर्च बच्चों के हिसाब से ही आप लें। अब इन्हें कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अभी तक मैंने किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। अगर आपको थोड़ा सा ऑयली बनाना है तो आप इसको, ये जो हम आलू का स्टफ बना रहे हैं इसको थोड़ी सी फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई नहीं कर रही क्योंकि मैं सिर्फ ऑयल फ्री ही इसे बना रही हूँ। तो ये हमने अच्छे से कर ली मिक्स। तो स्टफ हो गई है बिल्कुल तैयार। अब अपने डो को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से फूल चुका है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नरम कर लेते हैं। तो अब ये हो गया हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट। तो अब लेते हैं इसमें से हम थोड़ा सा इस तरीके की
लोई। अगर आपको लगता है कि ये हाथ पे चिपक रही है तो आप या तो हाथ पे थोड़ा पानी लगा लें या थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो जब तक हम इसकी बॉल बना के तैयार करें तब तक गैस पे रख देते हैं पानी, क्योंकि हमें ये भाप में तैयार करने हैं। तो मैंने गैस पे रख दिया पानी गर्म होने। तो अब इस तरीके से लगाएंगे हाथ पे पानी और इसे ये देखिए इस तरीके से हम हथेली पे फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फैला के, और ये आराम से उठ भी रहा है ये देखिए। और लेंगे हम ये आलू, तो इसकी एक बॉल बना लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें वेजेस ज़्यादा नहीं लेनी है। तो इस तरीके से बॉल बना के हम इसे कर देंगे अच्छे से बंद। तो ये देखिए ये हमारी बन गई बॉल। और बस इसी तरीके से हम बॉल बना के तैयार कर लेंगे। फिर से लगाएंगे हाथ पे थोड़ा सा पानी और लेंगे ये सूजी वाला आटा और इसको इस तरीके से हम फिर फैला लेंगे। इस तरीके से हम फैला लेंगे हथेली पे। ये देखिए ये मैंने फिर फैला लिया। और फिर से लेंगे आलू की एक बॉल इस तरीके से और इसे रख देंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। ये एकदम आराम से बंद हो जाता है, देखिए कहीं से भी ये फटती नहीं है। ये देखिए ये हो गई फिर से बंद। और फिर इसे हम कर देते हैं गोल। तो बस इसी तरीके से मैं सबको बना के रख लूंगी। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इस पर रखते हैं छल्ले। तो ये हमारी बॉल सभी बनके तैयार है। अब लेते हैं ये छल्ले। अब मैं इस पर थोड़ा सा लगाऊंगी ऑयल। वैसे मैंने कहीं पे भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बस इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल लगा के ये बॉल रख देंगे हम इस पर। बस इतना ध्यान रखना है कि ये बॉल ज़्यादा आपस में भिड़े नहीं तो ये चिपक जाएंगी। तो हमें इतनी इसमें गैप रखना है, इतना। ये देखिए, तो अब इसे रखते हैं हम पानी के ऊपर जो हमने गर्म होने रखा। तो अब रख दिया हमने ये पानी के ऊपर। तो अब आ रही है इस पे भाप। अब हमें ये ढक के रख देना है इस तरीके से, और ये हमें 15 मिनट के लिए इस पर उबालना है। तो भाप में ये हमारी पक जाएंगी जिस तरह से मोमोस हम पकाते हैं। तो इसे गैस पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं इनको खोल के। तो देखिए ये पहले से इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया। और इनको हम इस तरीके से देख लेते हैं कि ये हमारे पक चुके हैं, देखिए बिल्कुल। और हमने थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दिया था तो इसलिए ये आराम से छूट भी रहे हैं, ये देखिए। तो बस ये हो गए तैयार। अब इनको हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखिए ये भाप में ही बनके तैयार हो चुके हैं। और हम जैसे मोमोज खाते हैं, देखिए ये इस तरीके से सॉफ्ट भी हैं। तो हम इस जैसे मोमोज खाते हैं तो इसे सॉस के संग वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने रखा गैस पे फ्राईदान, उसमें डाला एक चम्मच तेल। तो हमने इसमें तेल लिया एक चम्मच। अब ले रहे हम थोड़ी सी राई। ये सरसों ली है मैंने, काली सरसों, आप चाहें तो इसमें पीली सरसों ले सकते हैं। और ये लिया मैंने थोड़े से तेल। अब इनको हम थोड़ा सा चटकने तक भून लेंगे। तिल हमारे चटकने लगे हैं। अब लेंगे हम इसमें एक छोटी चम्मच पानी और गैस का फ्लेम रख देंगे एकदम स्लो। अब लेंगे हम इसमें
टमाटो केचप, थोड़ी सी लेंगे इसमें हम चिली सॉस, आप चाहें तो इसमें पिज्जा सॉस भी दे सकते हैं। इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर आपको इनका कलर चेंज करना है तो आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो बस ये अच्छे से पक चुका। थोड़ा सा पानी हम इसमें और लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब लेंगे हमने ये जो बॉल बनाई है तो इनको हम इसमें डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स, जिससे कि सॉस और ये जो तेल हमने लिए ये सभी पे अच्छे से लग जाए। ये देखिए सभी बॉल हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, बस इनको हम सर्व करते हैं। तो बस तैयार है खाने के लिए हमारी सूजी वाली बॉल। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इतनी जल्दी बन जाती है ये कि बस बॉईल करने में ही 15 मिनट जो लगती हैं सो लगती हैं, बाकी किसी भी चीज़ में टाइम नहीं लगता है। और इनको आप बॉईल करके भी चटनी या सॉस के संग खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से ना हल्का सा, बहुत हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई भी कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जब भी आपका मन करे हल्का फुल्का खाने का तो इसे प्लीज़ ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपने इसे बनाया तो आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।